हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज जो एक रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब पे, स्पेशली बंदे ने बोला था कि बड़ी काइट्स कैसे फ्लाई करते हैं और आसानी से ना कटें, कि ये बताया जाए. तो उसके लिए आज हम ये देखिए, जैसे कि भाई अपनी काइट तैयार कर रहे हैं और ये देखो बेड से सीधे ऊपर पंखे तक टच कर रही है. और ये रहा हमारा दूसरा वाला काइट. इसका नाम भी मुझे एक तो वो तो मुझे पता लग गया, तरबूजदार जिसको बोलते थे. मैंने येलो वाली काइट पूछी थी. ये वाली जो काइट है इसका अगर आप बता सको तो बता देना. मेरे हिसाब से तो इसको डब्बेदार कहेंगे, ऐसा ही कुछ. ये तो हमारी चेस, जो भी हम उड़ाने वाले हैं, चेस बड़ी वाली काइट. ये है जो 6 तावी होती है, जिसका 6 फीट का जो स्ट्रीट वाला बैम्बू का जो स्टिक होती है वो 6 फीट की होती है. तो अभी हम वो उड़ाएंगे. तो ये आगे मेरी बिग काइट जो मेरे से इतनी ही है, मेरे से भी बड़ी है क्योंकि ये 6 फीट है. तो हाँ, ये मेरे से थोड़ी सी और ऊंची है. मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो में तो ज़्यादा दिख रही है. तो ये इतनी ऊंची है. और अब हम इसमें तलाम डालते हैं. आपको तलामे का तरीका भी बताता हूँ पूरा कैसे डाला जाता है, ठीक है. तो अभी तलामा डालते मिलते हैं आपको. तो फाइनली अगर दूसरी अगर चरखड़ी वाली डोर होती तो उससे हम शायद ट्रिपल करते, पर ये गड्डू वाली डोर है इससे हम डबल में ही आराम से अच्छे से तलामा डल जाता है बिना टूटे. तो अब हम जो काइट में सुराख करेंगे इसको बड़ा अच्छे से सुराख करना, ज़्यादा बड़े बड़े करोगे कहीं हवा में फटे. भाई थोड़ा सा पकड़िए, नीचे जा रहा, थोड़े यहाँ से रख, नीचे वहीं पे करना इसकी थोड़ी सी. तो हमें नहीं पता था आज तक कि लोग इतने ज़्यादा काइट्स के दीवाने हैं, कि हम लोगों को काइट्स की वजह से इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा. और आज तक हमने कभी ट्राई भी नहीं किया. हर बार हम इतनी इतनी काइट्स उड़ाते हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया कि बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि जम्मू में लोगों को इतना क्रेज़ है. क्रेज़ का ही हिसाब देख लो, हम लोग दोपहर को ही चढ़ाने में, जन्माष्टमी वाले दिन भी चढ़ा सकते थे, पर उस दिन हमें आराम से उड़ाने को ही नहीं देगा. और अगर उससे पहले ही जिसने भी वीडियो के लिए बोला हुआ अगर वो सीख ले तो अच्छा रहेगा. और तलामा हमेशा जिस साइड से पीला नहीं दिखता है, जो ऊपरली साइड होती है, हर काइट में ऐसे ही डलता है. तो एक कमेंट आया था मुझे, उसके लिए मैं बता देता हूँ प्लीज. तो जो भी काइट में तलाम डलता है ये इस वाली साइड से डलता है, जिस साइड 660 है उस साइड मत डाल देना. और ये जो सुराख किया है ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो गया है. सेंटर वाली भी, हाँ सेंटर वाली ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे नापेंगे तो ये हमारा एस्टिमेट रहता है तो वो सही नहीं रहता. अगर आपको बराबर अगर करना है तो आपने डोर सीधी करनी है, जहाँ पे आपने ऊपर नॉट, जहाँ पे ऊपर से काइट को बांधा हुआ सुराख करके, पहला यहाँ पे टच करके, दूसरी बार फिर सीधी करके. ये वाली हमने कर ली हुई है, यहाँ से हमें पता लग गया ऊपर यहाँ आती है ये वाली यहाँ से, तो ये बन गया परफेक्ट डिस्टेंस. सो इसके बाद अगर आपने हल्की करनी है, बाहरी करनी है, वो आप पे है. तो बड़ी काइट भारी है, अच्छी बड़ी काइट तो ऐसे भी बहुत भारी होती है, तो हल्की ही रहे तो अच्छा है. नहीं नहीं, ये हमारी नॉट होगी और ये हमारा काइट बैलेंस हो चुकी है. तो बस अब हम आपको मिलते हैं ऊपर जाके काइट उड़ाते हुए. सो लेट्स गो. चाचा वीडियो बन रही है, चल तू खुद काट ले. और फाइनली अब मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी और हमारे एक्सपर्ट भाई काइट उड़ाएंगे ये वाली. और काफ़ी ऊपर आने था कि इसको काफ़ी टेपो टेप कर दिया हम लोगों ने, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसके लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसी हवा अच्छी चल रही है तो आप बिना इसको कन्नी लिए भी उड़ा सकते हैं, पर अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कन्नी ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये तो बड़े सालों से उड़ा रहा है इसलिए आराम से उड़ा लेता है. मत आप ट्राई करना, ऐसे फट जाएगा गुड्डा, नुकसान आपका ही होगा. तो अब लग रहा है हवा थोड़ी सी कम हो गई, अब इसको कन्नी की ज़रूरत पड़ेगी. इसमें कोई एक्सपर्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हवा नहीं हो तो आपको कन्नी लेनी ही पड़ती है. तो फाइनली बिना कन्नी दिए ही उड़ गया है ये,
तो ये रहा जो 6 फीट काइट है, आपको इतनी छोटी सी दिख रही है इसमें, सोचो छोटी काइट कैसी दिखती है, ये 6 फीट काइट है। तो मेन जो ना कटाने का तरीका है, अभी तो इतनी काइट उड़ नहीं रही है और ये शाम को उड़ता भी नहीं है क्योंकि हवा इतनी होती नहीं है। मेन क्या है, जो आपका गुड्डा है, ये जो उसकी डोर है ना, ये तनोई हुई होनी चाहिए। तनोई हुई का मतलब होता है कि आपकी डोर हमेशा टाइट होनी चाहिए। अगर आपको कोई खिंच भी मार रहा है, अगर आपकी डोर टाइट नहीं है तो आराम से आपकी काइट कर जाएगी। तो मैं वैसे इतने बड़े गुड्डे इतने ज़्यादा उड़ाए ही नहीं है, बीच बीच में ही उड़ाए हैं कभी। तो ये भाई हर साल उड़ाता है, तो इस भाई से पूछ लेते हैं कि ना कटाने का क्या क्या प्रोसीजर है। जब भी आपको कोई खिंच मारने की कोशिश करे तो इस डोर को टाइट कर दे और डीला ना छोड़े अपना गुड्डा। कई लोग करते हैं कि जैसे कोई खिंच मारता है ऐसे डील देना शुरू कर देते हैं, नहीं ये गलत तरीका, इससे ये कट जाएगा। और मेनली कोशिश करेंगे बड़ा गुड्डा स्ट्रेच गट्टू से ही उड़ाए। हाँ। एक तो इसकी डोर को गुंजल नहीं बढ़ती है, हार्ड गट्टू की डोर गुंजल बढ़ जाती है और टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रेच में काइट टूटने के चांसेस बड़े कम होते हैं। और इस तरह की हवा हो तो ये हमारी काइट अभी बिल्कुल परफेक्ट है। डोर अगर आपको टाइट है, अगर आपको आपको कोई खींच मार रहा है, आपने ऐसे पकड़ के भी रखी है ना, ये देखो जैसे आपको तो ये कटेगा, आवाज भी आ रही होगी, ये टाइट हो गया, ये बिल्कुल इसके साथ कोई जितनी मर्जी जोर से खींच मारे कोई इस टाइम पे इसको ये नहीं कटेगा अभी वो। हाँ तो जो नया डील देने का तरीका बता रहे थे भाई, अगर आप नए हैं, आप नए नहीं चढ़ाना सीख रहे तो आप ऐसे करके भी डील दे सकते हैं। इसको तेजी से देने की मतलब अगर पैनिक मत होए बिल्कुल भी, जैसे अगर जगदम किसी के कोई आपको खिंच मार रहा है तो इसको खिंच मार के कोई इतनी आसानी से काट नहीं सकता जब तक आपका गुड्डा बूत है। अगर आपकी डोर ढीली है तो आराम से कटेगा, नहीं तो इसको नहीं काट सकता कोई आसानी से। और खासकर इसको स्ट्रेच से उड़ाएं क्योंकि जो दूसरा वाला गट्टू होता है उसका गुंजल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसको जब आप खोलने लगो ना तो उसको क्रास से बचते हैं, तो जिससे टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और काइट अगर टूट जाए तो बहुत दुख होता है। इसको थोड़ा सा दूर ही करें, इसको पास ना रखें ज़्यादा दूर क्योंकि मैक्सिमम लोगों की नज़र में नहीं आएगा, और जब नज़र में नहीं आएगा जिसको ये डोर टच होगी बाय चांस वो आगे पीछे भी ऐसे घुमा रहा हो आपके तो मैक्सिमम चांस है टच होते कट जाएगी, खाली टच होते ही। और ये हमारी जो काइट है ये 6 फीट की काइट है, सोचो मेरे से भी बड़ी काइट है और ये कितनी हाइट पे होगी जो आपको इतनी सी दिख रही है, ये 4.6x जूम है तो अब जाके इतनी सी दिख रही है। नया तरीका गटल पेड़ने का, क्योंकि डोर अभी पूरी टाइट हो गया, अगर ये बाय चांस हाथ से छूट जाएगा तो ये अभी गया, इस गट्टू के साथ ही चला जाएगा, गट्टू के साथ आराम से जाएगा क्योंकि ये देखो। नहीं 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 छोड़ने की गलती नहीं करनी, नहीं नहीं कुछ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ ऊपर आ जाएगा भाई, जिस हिसाब से जा रहा है ना ये क्रैश भी हो सकता है, हमारे भाई डरते हुए नीचे जा रहा है भाई, इतनी बड़ी काइट डर तो लगता ही है, डर सबको लगता है, गलत सब 5-10 काइट उड़ाने के बाद एक काइट ऐसी होती है। और अभी काइट पूरी काफी ऊपर लाते लाते हम लोगों ने पता नहीं कितनी टेप लगा दी इसको, पर अभी काइट पूरी फॉर्म में है, अभी कह रही है हमको उड़ाओ। अगर शाम को बाई चांस ऐसी हवा हुई, अगर ऐसे हम बता देते हैं अगर शाम को ऐसी हवा हुई तो हम जरूर ट्राई करेंगे कि हम इसको उड़ा लें, नहीं तो इसके भाई बहन किसी को उड़ा लें। हाँ इसके भाई बहन भी हैं छोटे छोटे 3-3, 4-4 फुट वाले। क्या कर रहे भाई, जिस हिसाब से थोड़ा पाशा तो लगेगी। आपको जैसे कि साउंड आ रही हो काइट की मारे, और ये परफेक्ट लैंडिंग मेरे हाथ में करेगा, और ये परफेक्ट लैंडिंग बिल्कुल हाथ में ही मेरे ये आ गया है बिल्कुल हमारे पास सही सलामत वापस। तो बाय बाय। तो ये होगी हाउ टू फ्लाई ये 6 फीट का एक जो थे 6 ताबी जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने वो उड़ा दी। और हम शायद जन्माष्टमी के दिन आपको जो भाई कह रहे हैं कि पतंग भी उड़ाना ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पतंग बहुत ज़बरदस्त काइट है, अगर वो उड़ जाए ना तो वो इस गुड्डे से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उड़ती है। वज़न भी बेशक 6 फीट का है, अगर वो छोटी भी होगी वो तब भी इससे ज़्यादा वज़न आराम से उठाएगी। तो ये जो मैक्सिमम हमारे पास गुड्डा था हाइट वाला तो वो ये था, वो हमने आपको उड़ा के बता दिया। तो इसके बाद हम लोगों को कभी अगर इससे बड़ा काइट मिलेगी तो वो हम वो भी आपको बता देंगे।
तो नहीं है कि आप लोग उससे आप काइट खरीदोगे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हम दे भी नहीं रहे हैं। मेन है कि जम्मू में जो हमारा फेस्टिवल है कि लोग जो लड़के लड़के लड़कियां सारे जो काइट लाते हैं बहुत बहुत शिद्दत से काइट लेके आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी काइट्स लेके आते हैं पसंद करके। तो मुझे काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ भेजी हुई हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैं चाहूँगा आप लोग भी जो जो आपके पास काइट्स हैं आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और हम लोगों को अपनी काइट्स दिखाने का मौका दें। और इसके बाद हम प्लीज़ अपनी वीडियो लैंडस्केप में बनाना, ठीक है, पोर्ट्रेट में मत बनाना, लैंडस्केप में बनाना, कि मैं यूट्यूब पर डालना चाहूँ तो मैं बता सकूँ कि ये विनर है, ये इस वजह से विनर है कि इसके पास ऐसी कलेक्शन है, ठीक है। तो आज का व्लॉग तो यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, तो सब्सक्राइब भी करना, और जम्मू के बारे में हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तो टिल देन, गिव अ थम्स अप।